हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मुंबई का स्पेशल जंबो सैंडविच। बहुत ही बढ़िया लगता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा यूनिक है। हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर स्ट्रीट पर मिलता है ये मुंबई का जंबो सैंडविच, तो आज हम घर पे बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है, या आप सादा रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने उसमें डाला है जीरा और थोड़ी सी कटी हुई मिर्च। उसके बाद में मैंने बॉईल किया है पोटैटो, वो डालूंगी। बड़े 2 से 3 आम बॉईल किए पोटैटो डाल दिए। उसके बाद देखो ये अच्छे से हाथ से ही मैश किए हुए है, थोड़े से उसमें क्रंचीनेस रहना चाहिए, एकदम मैश नहीं चाहिए वो। तो अभी हम उसमें डाल देंगे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर। उसके बाद में मैंने उसमें थोड़ी सी राई भी डाली थी। अब हम डालेंगे नमक। नमक मैं दोनों डालूंगी, जैसे सादा नमक भी डालेंगे हम और काला नमक भी डालेंगे। बाकी अदरक लहसुन आप स्वादानुसार आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो लोग जनरली यूज़ नहीं करते। मैं वही टेस्ट लाने के लिए अभी आपके साथ में बना रही हूँ। बस रेडी है हमारा आलू का मसाला 5 मिनट में हरा धनिया डाल के। बस क्या डाला, काला नमक, सादा नमक, हल्दी, हरी मिर्च डाली। जो टेस्ट तीखापन है वो हरी मिर्च का है। 2 स्लाइस ले लिए ब्रेड के। बहुत जम्बो सैंडविच में जनरली साइड्स नहीं निकाली जाती है, इसलिए साइड्स रहने दिए हैं। बढ़िया से घर का बटर जो है वो लगा लिया उसके ऊपर, फिर आलू का मसाला लगा लिया। अब उसका तीखापन लाने के लिए हम डालेंगे उसके ऊपर रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस से एकदम बढ़िया से उसका स्वाद आएगा। या आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हो रेड चिली सॉस नहीं है तो, या फिर पिज्जा सॉस लगा सकते हो। अब बारी आई चीज स्लाइस की। आज अभी चीज स्लाइस नहीं है तो मैं इसी अपना जो चीज का क्यूब होता है उसी की स्लाइस बनाकर रख रहे हैं। तो चीज का मजा तो चाहिए, जंबो सैंडविच है मुंबई का स्पेशल सैंडविच है, तो उसके अंदर आएंगे अभी कच्चा सलाद। उसमें आएंगे हमारे बारीक लंबे कटे हुए स्लाइस कटे हुए टमाटर और प्याज। फिर डालेंगे हम थोड़ा सा उसके ऊपर चाट मसाला और काला नमक। और अब हम डालेंगे उसके ऊपर स्लाइस कटी हुई ककड़ी, शिमला मिर्च और थोड़ी सी गाजर। सब चीज़ें आपकी पसंद की होनी चाहिए। बीटरूट है तो वो भी डालें, उससे भी बहुत बढ़िया सा स्वाद आता है और वहाँ पे तो डाला ही जाता है। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट बीटरूट का स्वाद बहुत अच्छा है सैंडविच में आता है। अभी सभी के ऊपर फिर से थोड़ा सा चाट मसाला डाला और ये स्लाइस इसके ऊपर रख दिया। अब ऊपर से बटर लगाएंगे बढ़िया से, और होममेड बटर लगाए, बाहर का बटर लगाए, या फिर आप घी भी लगा सकते हो। मैंने थोड़ा सा बटर पहले डाला था, अभी और थोड़ा बटर डाल रही हूँ। और ये हम अब इसके ऊपर, पर अगर आपके पास सैंडविच बनाने के लिए वो जो गैस पे रख के वो चौकोन सैंडविच रहता है ना, उल्टा पुल्टा करके रखते हैं, उसमें बनाओगे तो जंबो सैंडविच बेहतरीन बनेगा। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, या आप मैं तो सिंपल फ्राई पैन में आपको ये बना के बता रही हूँ। सादे तवे पे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से पकड़ते हुए इसको हम टर्न करेंगे, दोनों साइड से दबाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक के सेकेंगे। हमारा बढ़िया सा जंबो सैंडविच 10 मिनट में तैयार है। तो आप भी मजा लीजिए जंबो सैंडविच का, बहुत यूनिक टेस्ट आता है इसका, और एक ही खाओगे तो पेट भर जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में सबसे बढ़िया है, हेल्दी भी हो जाता है। अवॉइड करना है तो आप पोटैटो अवॉइड करके भी बना सकते हो। और मैंने जो ब्रेड है वो सादी ली थी, उसके जगह आप व्हीट ब्रेड लोगे तो ये और भी हेल्दी हो जाएगा। तो बढ़िया से मुंबई स्पेशल स्ट्रीट का जंबो सैंडविच तो बनाइए आप भी, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी जो वीडियो है वो शेयर कीजिए, अच्छी लगी आपको तो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।